सबसे पहले हमें टर्म्स लेनी है 0, 1, 2, 3, 4, देन डिवाइड बाय 4 टू ऑल द टर्म्स, देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ देम. नाउ वी गेट 0/4 इज इक्वल टू 0, 1/4 का होल रूट इज इक्वल टू 1/2, देन 1/√2, देन √3/2, एंड एट लास्ट इट विल 1, राइट. देन वी कैन सी दैट इट इज इक्वल टू साइन 0 degree, एंड दिस इज साइन 30 degree, साइन 45 degree, साइन 60 degree, एंड एट लास्ट इट इज इक्वल टू साइन 90 degree. सिमिलरली थ्रू प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, लाइक कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा, राइट. वी कैन चेंज द थीटा एंड फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज, लाइक वी हैव टू फाइंड आउट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 30, एंड कॉस 30 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30 degree इज इक्वल टू 1 - 1/2, राइट, 1/2 स्क्वायर. देन वी विल गेट 1 - 1/4, एंड इट विल बी 3/4, बट वी गेट कॉस स्क्वायर कॉस 30 degree इज इक्वल टू √3/√4, एंड विच इज इक्वल टू √3/2, राइट. सिमिलरली वी कैन फाइंड 10 theta, बिकॉज 10 theta इज इक्वल टू sin θ / cos θ, राइट. पुट आउट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 theta. देन cot θ इज इक्वल टू cos θ / sin θ और 1/10 theta. सिमिलरली cosec θ इज इक्वल टू 1/sin θ, एंड वन रिपीट करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, and 1. आई होप ये आपको याद हो चुकी होगी. देन cos θ इज इक्वल टू साइन से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, and 0. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे साइन में ऐसे बढ़ते जा रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, and 1. देन कोस इसका बिल्कुल अपोजिट होगा क्या, √3/2, 1/√2, 1/2, and 0, राइट. ये इस साइड जा रही है और ये इसके अपोजिट आ रही है. सिमिलरली यू कैन फाइंड साइन secθ. secθ इज इक्वल टू 1/cos θ, देन 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/√3/2 इज इक्वल टू 2/√3/2, 1/√2 इज इक्वल टू √2, 1/1/2 इज इक्वल टू 2, एंड 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सिमिलरली यू कैन फाइंड cosec θ इज इक्वल टू इन्फिनिटी. वाई, बिकॉज 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड 1/1/2 इज इक्वल टू 2, 1/1/√2 इज इक्वल टू √2, एंड 1/√3/2 इज इक्वल टू 2/√3, एंड 1/1 इज इक्वल टू 1, राइट. सिमिलरली यू कैन फाइंड थीटा एंड cot θ. 10 θ इज इक्वल टू sin θ / cos θ. वट इज द वैल्यू ऑफ sin θ @0 degree? It is 0, एंड cos θ इज इक्वल टू 1. तो 0/1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली यू कैन फाइंड tan 30 degree. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इट इज 1/√3. सिमिलरली 1/√2/1/√2 इज इक्वल टू 1, एंड √3/2/1/2 इज इक्वल टू √3, एंड 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एंड cot θ इज इक्वल टू cos θ / sin θ और 1/10 θ. देन वी कैन से दैट 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सिमिलरली √3/2/1/2 इज इक्वल टू √3, एंड 1, एंड 1/√3 और 0. और यू कैन ईजिली से दैट जब हम 10 की बात कर रहे थे तो हम इस साइड से ये मूव कर रहे थे, 0, 1/√3, 1/√3 इज इन्फिनिटी, एंड जब हम बात करते हैं इसको उल्टा लिखते हैं जब क्या आएगा, तो 0, 1/√3, 1
रूट थ्री एंड इन्फिनिटी, राइट। तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सो दैट हमें इजीली लर्न हो जाए। सबसे पहले हमने साइन की बात की, साइन कैसे निकाला हमने, ज़ीरो, यहाँ से एक बार देख लेते हैं साइन कैसे फाइंड आउट किया हमने, ज़ीरो वन टू थ्री फोर राइट किया, उसके बाद सबको डिवाइड किया फोर से, स्क्वायर रूट लिया सबका, तो हमारे पास क्या आया, ज़ीरो वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू एंड वन। ऑन द बिहाफ ऑफ इट यू कैन फाइंड एनी वैल्यू, साइन की वैल्यू को जब हमने वैल्यूज पुट की तो क्या आया, ज़ीरो वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू एंड वन। जब इसको अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस। अपोजिट क्यों किया, अपोजिट कहने का मतलब है वन माइनस साइन स्केयर थीटा करेंगे, बिकॉज वन माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। जब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू एंड ज़ीरो। सिमिलरली कॉस सीकेट क्या होता है, सीकेट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, इसकी हेल्प से हम वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन इस तरह निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज को। कॉस सीकेट निकालेंगे वन अपॉन साइन से, टेन निकालेंगे साइन अपॉन कॉस से, एंड कॉट निकालेंगे किस से, वन अपॉन टेन से निकाल सकते हो, और कॉस अपॉन साइन से निकाल सकते हो। तो इस टाइप से हम अपनी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ़ यू लाइक द वीडियो।